हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नीरू और आज मैं आपसे शेयर करूँगी हैवी हेयर ऑयलिंग। ये आप लोगों का मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये रिक्वेस्ट मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने किया था कि आप मुझे हैवी हेयर ऑयलिंग करके दिखाइए। तो मैं आज अपने सब्सक्राइबर्स की, अपने व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पूरी करने जा रही हूँ। आप मुझसे कमेंट करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं और मैं हर एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हेयर और मेकअप से रिलेटेड वीडियो लाते रहती हूँ अपने चैनल पे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आप जब भी हेयर ऑयल अप्लाई करते हैं तो आपके बाल क्लीन हो और वॉश किए हो। इससे आपके हेयर ऑयल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका गुण आपके बालों में अच्छे से जाएगा और आपके जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगी। और मैं इसे यहाँ पे एक कंघी की हेल्प से अपने बालों की जो अटकलें होंगी उनको निकाल लूँगी और मैं अपने बालों में अच्छे से कंघी कर लूँगी। हेयर ऑयल अप्लाई करने से पहले आप मेक श्योर करें कि आपके बाल क्लीन हो और धुले हुए हो। सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे अपने बाल को कंघी से खींच लिया था। आप जब भी अपने बालों में कंघी करते हैं तो आपको बहुत स्लोली स्लोली और आराम से कंघी को करना चाहिए। अगर आप खींच के या फिर जल्दबाजी में कंघी करते हैं तो आपके इससे बालों का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम रुकने की बजाय बढ़ जाती है। आपके बालों की ग्रोथ कितनी भी हो, छोटी है बड़ी है, लेकिन आपको आराम से कंघी करना चाहिए। और अगर आपके बालों की ग्रोथ बड़ी है तो आपको कहीं जाने से एक घंटा पहले ही उसे सुलझा लेना चाहिए और उस टाइम पे आप ओनली हेयर स्टाइल बना सकते हैं। यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है और उसमें गार्लिक का 4 से 5 कलियाँ मैंने बारीक काट कर और मैंने उसमें डाल दिया है। और इसे मैंने रात भर के लिए ऐसे ही इसी के साथ भिगो के रख दिया था और ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। ये आपके बालों को लंबा, काला और घना बनाएगा। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आप पक्का ट्राई कीजिए इसे। ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रेमेडी है। आप कभी भी हेयर ऑयल अप्लाई करते हैं तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने फिंगर की हेल्प से अपने हेड में मसाज करें। आप अपने नाखूनों का यूज़ ना करें, इससे आपके बाल डैमेज हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपको हमेशा हेयर ऑयल अपने हेड में मसाज करते हुए अप्लाई करना चाहिए। आपको कभी भी हेयर ऑयल अप्लाई करना स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीक में 2 दिन हेयर ऑयल अप्लाई कर लीजिए। उससे आपके बाल हेल्दी रहेंगे और आपके बालों का ग्रोथ अच्छा होगा। आप जब भी हेयर ऑयल अप्लाई करते हैं तो आप अपने फिंगर की हेल्प से हेड में मसाज कीजिए, क्योंकि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और आपके बालों का ग्रोथ भी बढ़ने लगता है। आप कभी भी हेयर ऑयल अप्लाई करते हैं तो आपको अपने ग्रोथ में हेयर ऑयल को अप्लाई करना चाहिए, ना कि बालों में। बालों में भी आपको अप्लाई करना चाहिए, लेकिन आपको हेड में ज़्यादा मसाज करना चाहिए ताकि अच्छी तरीके से प्रॉपरली आपके हेड में ऑयल जा सके और वो हेयर ग्रोथ और ब्लड सर्कुलेशन सही कर सके। आप जब भी हेयर ऑयल अप्लाई करते हैं तो आपको अपने रूट्स को 15 से 20 मिनट तक मसाज करना चाहिए ताकि अच्छे से और प्रॉपर तरीके से आपके रूट्स में ऑयल जाए और आपका जो हेयर ग्रोथ रुका हुआ है वो बढ़ने लगे आपका हेयर और आपके हेयर की क्वालिटी अच्छी हो जाए।
और मैं प्रॉपर तरीके से अपने हेड को मसाज करूंगी ऑयल से। और अब मैं अपने बालों को कॉम्ब कर लूँगी। आपको हेयर ऑयल अप्लाई करने के बाद हमेशा कॉम्ब करना चाहिए, और हेयर ऑयल अप्लाई करने से भी पहले आपको हमेशा कॉम्ब करना चाहिए। ये दो तीन चीज़ ऐसी हैं जो जिसको आपको ऑलवेज फॉलो करना चाहिए। मैं यहाँ पे पार्टीशन कर लूँगी अपने हेयर्स में, और उसके बाद मैं थोड़े से हेयर लूँगी कॉम्ब की हेल्प से, थोड़ा सा आगे वाला हेयर लूँगी और इसको मैं ट्विस्ट कर लूँगी। अब मैं उसके नीचे का थोड़ा सा बाल लूँगी और उसको भी ट्विस्ट कर लूँगी। मैं दोनों को ट्विस्ट करके और एक क्लिप की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी। अब मैं इसको थोड़ा खींच लूँगी ताकि ये और मेरा अच्छा दिखे ट्विस्ट किया हुआ पोर्शन। और अब मैं सारे बालों में ब्रेड बना लूँगी। और ये आप हेयर स्टाइल अगर कोई पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तभी भी आप कर सकते हैं, ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। और मैं रबर बैंड की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी, और आप देख सकते हैं मेरा हेयर स्टाइल कैसा दिख रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय गाइस, लव यू।